नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ASM न्यूज में। बुंदेलखंड में झांसी जिले के सीपरी बाजार थाना अंतर्गत रॉयल सिटी के पास रात्रि में एक युवक का शव मिला। मृतक की मौत का कारण हत्या और हादसे में उलझा हुआ है। जहां एक ओर मृतक को गोली मारने की चर्चा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस इसे एक्सीडेंट बता रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। हुआ यूं कि झांसी जिले में सीपरी बाजार थाना अंतर्गत रॉयल सिटी के पास कुछ लोगों ने एक युवक के शव को खून से लथपथ देखा। इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई। पुलिस ने के अनुसार मृतक की कमलेश पुत्र शोभाराम निवासी सिजवाहा थाना रक्षा 31 वर्षीय के रूप में शिनाख्त हुई। उसकी एक्सीडेंट से मौत हुई। वहीं दूसरी ओर मृतक की मौत को लेकर चर्चा है कि उसे गोली मारी गई है, लेकिन पुलिस गोली मारने की बात की पुष्टि नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर चोटों के निशान हैं। मृतक की मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। धन्यवाद। वहाँ पर उचित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये तत्काल वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से इमरजेंसी लाए, ब्रॉड डेड माने गए हैं। बाकी अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद ही कह पाएंगे कि घाव किस प्रकार के हैं और क्या कारण रहा है। अच्छा, गोली की चर्चा हुई, गोली मारी गई, क्या है ये? तो जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा इसमें कह पाना बहुत जरूरी है। सर, बॉडी का कुछ दिख रहा है? सर, चोटों के निशान शरीर पे हैं, इस प्रकार के जैसे एक्सीडेंटल भी हों और भी निशान हैं, वो डॉक्टर की ज्यादा बता पाएंगे। पॉलिटिकल कुछ तो नहीं? अभी अभी जांच चल रही है सर, जैसा भी तहरीर आएगी जाँच होगी उसके बाद।